बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आयशा के कपड़े इस तरह कर रही हूँ। आयशा जो है वह नहाने जाएंगी, नहलाऊँगी बल्कि मैं उनको खुद। और अब जो है वो मैं भाई के कपड़े इस तरह करने लगी हूँ। और कौन से कपड़े इस तरह करूँ तो जनाब, कोई हल्के से कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, बड़े सही रहेगा। भाई के कपड़े इस्त्री, भाई तो खैर काम पे गए हुए हैं, तो एक मैं पहले से इस्त्री करके रख देती हूँ ताकि जो है उनपे मुश्किल ना हो कोई। और जो है अब जो है वो मैं कमीज़ इस्त्री करने लगी हूँ भाई की। और ये भाई जो है हमारे ज़्यादातर गोल दामन ही पहनते हैं, और लड़कों पे वैसे भी गोल दामन ही ज़्यादा अच्छा लगता है चकोर दामन से ना। तो चले मैं इस्त्री कर लेती हूँ, फिर आगे के काम जो होंगे वो आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, भाई के कपड़े इस्त्री कर देंगे मैंने, और ये अब हैंग कर देती हूँ मैं अलमारी के अंदर। देखिए जी, हमारा जो छोटा मुन्ना है वो गंजा हो चुका है। गंजा हो गया, कितना प्यारा लग चीज़ें। और यहाँ पर जो है वो ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने आ चुके थे, और ये जो आपको गीला दिख रहा है, बच्चे घर में पानी गिरा देते हैं। और बच्चे जो है वो बहुत कम ट्यूशन आ रहे हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियाँ जो है वो अब हो चुकी हैं। आई एम अकेट, आई वियर अहेड, आई एम अकेट, आई वियर अहेड, आई एम अकेट, आई वियर अहेड। और ये भाभी ने जो है ना वो ऊपर चिप्स बाज़ार से मंगवाए हुए तो वो भेजे, और उसके साथ देखें हरी चटनी है, मेयोनीज है और केचप है सब। और यहाँ जी हम लोग खा रहे हैं सब लोग चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स भी बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं। और हमारे घर बनाई भिंडी की माँ, ये देखिए आप, तो ये रहा भिंडी और कीमा और रोटी। और यहाँ पर अम्मी में खा रहे थे भिंडी और कीमा रोटी के साथ, और ये थी हरी मिर्ची, दोपहर में तली थी, दाल चावल बनाए थे और हरी मिर्ची तली थी। तो अभी जो है मैं इस कीमे के साथ, कीमे और भिंडी के साथ जो है वो थोड़ी सी रोटी खाऊंगी, उसके बाद जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ अब अपने लिए दाल चावल जो दोपहर में बनाए थे। और ये देखिए ये मिर्चें हैं, और ये जो है वो भिंडी और कीमा साथ साथ खा रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।